शनिदेव की महिमा कथा व्रत विधि सहित। शनिवार के दिन पढ़े ये कथा, शनि देव बरसाएंगे कृपा, शुभ होगा हर काम। तो चलिए शनिदेव कथा के बारे में जानते हैं और शनिदेव के बारे में जानते हैं। शनिदेव के कृपा पाने के लिए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। यह व्रत करने से सुख संकट और पीड़ा दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो घरों में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को त्याग का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव को कर्म फलदाता माना गया है। शनिदेव व्यक्ति को बुरे और अच्छे होने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि किसी यात्रा की कुंडली में शनिदेव की स्थिति बेहतर हो तो वह अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। वहीं दूसरी तरफ यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में हो तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं और परेशानियां झेलनी पड़ती है। ऐसे में हर व्यक्ति कोशिश करता है कि उसके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहे। आइए जानते हैं शनिदेव व्रत की कथा। शनिदेव व्रत कथा। एक बार सभी नौ ग्रहों में इस बात को लेकर के होड़ हो चुकी कि कौन सबसे बड़ा है और ताकतवर कौन ग्रह है। सभी ग्रह इस बात का निर्णय जानने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे, जो बहुत न्यायप्रिय और लोकप्रिय थे। विक्रमादित्य ने नौ ग्रहों की बात सुनी और नौ सिंहासन का निर्माण करवाया, उन्हें क्रम से रख दिया। वह नौ सिंहासन सुवर्ण, रजत, कांस, पीतल और सीसा, तांबा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से निर्मित थे। राजा ने शर्त रखी कि इन सिंहासन पर सभी नौ ग्रह अपने अपने स्वेच्छा से विराजमान हो जाएंगे। साथ ही यह भी बताया कि नौ ग्रह आखिर में सिंहासन पर बैठेंगे तो ग्रह सबसे छोटे कहलाएंगे। इस शर्त के कारण आखिरी में शनिदेव के प्रसन्न होने के संकेत ने सिंहासन ग्रहण किया। वह सबसे छोटे ग्रह माने गए। शनिदेव इससे क्रोधित हो गए और राजा को सावधान रहने के लिए बोल करके नाराज होकर के चले गए। शीघ्र ही राजा की 7:30 शुरू हो गई। राजा का जंगल में भूखे प्यासे भटकना शुरू हो गया। राजा के साथ एक के बाद एक बुरा होते चला गया। एक समय आया जब राजा अपंग हो गया। तब शनिदेव ने राजा को दर्शन दिए और राजा को अपने द्वारा दी गई चेतावनी का एहसास करवाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। तब शनिदेव ने राजा को 7:30 से मुक्ति का उपाय बतलाया। शनिदेव ने राजा को शनिवार का व्रत रखने के लिए कहा। इस दिन चींटियों को आटा खिलाने के लिए कहा। राजा ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे शनिदेव का क्रोध शांत हो गया। शनिदेव प्रसन्न हो गए। शनिदेव ने राजा के सभी कष्ट हर लिए, उन्हें जीवन के सारे भौतिक सुख सुविधा आनंद दे दिए, खुशियाँ लौट आई। शनिवार पूजन विधि। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत विधि विधान से करना बहुत ही आवश्यक है। शनिवार के दिन सबसे पहले सुबह उठकर के स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। इसके बाद पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। फिर लोहे से निर्मित शनिदेव की प्रतिमा को पंच अमृत से स्नान करवाएं। उसके बाद मूर्ति को चावलों से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। उसके बाद काले तिल, फूल, धूप, काले वस्त्र आदि से शनिदेव की पूजा करें। पूजा करने के बाद शनिदेव के 10 नामों का स्मरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर शनि मंत्र का जप करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है, परस्पर प्रेम बना रहता है, बुरी नज़र चली जाती है घर से, नकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है, सकारात्मक ऊर्जा घर में चली जाती है, शनिदेव की कृपा बरसने लगती है, धन धान की वृद्धि होती है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए शनि व्रत महान व्रत माना गया है। शनिदेव की कृपा से सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।